नमस्ते लीजिए, हमेशा खुश रहो। किसी जेबी डॉक्टर के शर्मा प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी साइंस डेफिट वुमेन्स यूनिवर्सिटी। नाउ आवर टॉपिक टुडे इज व्हाट इज वाइटल फूड्स इन डिजीज। In the last lecture, we discussed about the topic was saying vital foods in disease. उसके अंदर हमने पढ़ा था कि vital foods जब डिलीट होता है तब डिजीज प्रोड्यूस होता है, और वो जो अल्टरेशन होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस होने के बाद में जो बॉडी में चेंजेस महसूस होते हैं, वो चेंजेस बेसिकली उनको फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो पेशेंट को फील कर सकता है बाय हिज सेंसेस। सो टू कंटिन्यू दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू प्रोसीड अपोरिज्म 12। इन दिस अपोरिज्म मीनिंग सेज दैट इट इज द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स। It is morbidly affected by the force along that produces means कि यह सिर्फ vital force ही जिम्मेदार है disease produce होने की जब vital force delayed है। जब vital force morbidly affected by the force, morbidly affected हो गया इनिमिकल फोर्स के द्वारा, इनिमिकल फोर्स की भी क्वालिटी डायनेमिक थी, उसने वाइटल फोर्स डायनेमिक को मॉर्बिडली अफेक्टेड किया और इट प्रोड्यूसेस डिजीज। सो दैट द मॉर्बिड फिनोमिना, व्हाट इज द मॉर्बिड फिनोमिना मींस जो साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट होने के बाद डिजीज प्रोड्यूस, उनको उन साइन और सिम्टम को हम बोलते हैं मॉर्बिड फिनोमिना। परसेप्टिबल टू आवर सेंसेस, उस मॉर्बिड फिना को हम हमारे सेंसेस के द्वारा परसेप्ट कर सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं। एक्सप्रेस एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंज, जो बाहर मॉर्बिड साइन और सिम्टम्स बाहर मैनिफेस्ट हो रहे हैं, इनका सीधा सा मतलब है कि इसका मतलब वो जो डिरेंजमेंट इंटरनली हुआ है उसको साइन और सिम्टम बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं, आउटवर्ड एक्सप्रेस आउटवर्ड मींस उस सेम चीज है कि अंदर भी डिवाइड होकर कोई उसका एक्सप्रेशन बाहर आ गया, ठीक है। The whole morbid derangement of the internal dynamics. So, जो morbid phenomena है, जो morbid phenomena जो sign और symptoms के रूप में हमारे सामने बाहर शो हो रहे हैं, वो ये इंडिकेट करती है मतलब कि एंटायर डिजीज को मैनिफेस्ट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है एंटायर डिजीज को, जो कि इंटरनल डिरेंजमेंट हुआ है उसको बाहर शो कर रही है। ये मॉर्बिड फिनोमेना मींस पोटेंशियल ऑफ सिम्टम या साइन ऑफ सिम्टम ये बाहर एक्सप्रेस हो रहा है। इन ए वर्ड दे रिवील द होल डिजीज, परसेप्टिबल फिनोमेना है साइन ऑफ सिम्टम से, ये सारी की सारी डिजीज को बाहर एक्सप्रेस कर देते हैं। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप द डिसअपीयरेंस अंडर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मॉर्बिड फिनोमेना। अब जब हमने इस मॉर्बिड फिनोमेना को, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को जब हमने रिमूव कर दिया मेडिसिन से, ट्रीटमेंट के द्वारा ये मॉर्बिड फिना रिमूव हो गई है, तो ऑल द मॉर्बिड अल्टरेशन दैट डिफर फ्रॉम द हेल्दी वाइटल ऑपरेशन certainly affects and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force.
जब मॉर्बिड फिनोमेना को हमने मेडिसिन के द्वारा रिमूव कर दिया है, तो ये श्योर इंडिकेशन है कि वापिस हेल्दी स्टेट रिटर्न हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी हेल्दी कंडीशन। जब परसेप्टिबल फिनोमिना ही रिमूव हो गई, परसेप्टिबल फिनोमिना एक्चुअल के अंदर डिजीज को रिप्रेजेंट करे। अब जब हमने साइन और सिम्टम्स को रिमूव कर दिए, तो इट मीन्स डिजीज भी रिमूव हो चुकी है। रिस्टोरेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द वाइटल फोर्स। अब ये इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हार्मोनी, कोऑर्डिनेशन वाली स्टेज, मतलब बॉडी के हर फंक्शंस एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए हार्मोनियस के अपना वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन के अंदर अपना वर्क कर रहे हैं। देयरफॉर द रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, इट मींस ऑल ऑर्गेनिज्म की रिकवरी हो गई है, ऑल ऑर्गेनिज्म ठीक हो गया है, ऑल ऑर्गेनिज्म का रिस्टोरेशन हो गया है, ऑल ऑर्गेनिज्म पर क्योर हो गया है। इट मीन्स जो पहले वाली हेल्थी स्टेट थी वो स्टेट हमें मिल चुकी है। ओके, अब सिक्स्थ एडिशन के अंदर क्या है, इट इज द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी अलोंग दैट प्रोड्यूस डिजीज, सो दैट द मॉर्बिड फिनोमेना परसेप्टिबल टू आवर सेंसेस एक्सप्रेसेस एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंज, दैट इज टू से द होल मॉर्बिड अरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल डायनेमिक्स इन एबल टू रिवील द होल डिजीज कंसिक्वेंटली आल्सो डिसअपीयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ। तो सब सेम सी चीज है फॉर द मॉर्बिड फिनोमेना। एक तरह से कि सफोरिज्म के अंदर डॉक्टर हेमिंग्वे ने ह्यूफ्लैंड को भी जवाब दिया है। डॉक्टर ह्यूफ्लैंड जो एलोपैथिक डॉक्टर थे वो क्रिटिसाइज करते थे होम्योपैथी को कि होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम्स को डिजाइन को रिमूव करती है, डिजीज सेम ही रहती है। तो एक तरह से ये उनको आंसर भी दिया गया है कि सपोज के अंदर कि जब होम्योपैथिक फिजिशियन होम्योपैथिक मेडिसिन से जब उसके पास फूल जो परसेप्टिबल फिनोमिना है जो कंप्लीट साइन एंड सिम्टम्स है उसको रिमूव कर देता है, तब डिजीज बचती ही नहीं है, डिजीज भी डिसअपीयर हो जाती है। ओके, इट इज एविडेंट इन लास्ट अफोरिज्म दैट डिजीज वाइटल फोर्स कॉजेज डिजीजेस एंड दीज आर मॉर्बिड मैनिफेस्टेशंस परसेप्टिबल टू आवर सेंसेस, मींस दीज मॉर्बिड अल्टरेशन आल्सो एक्सप्रेस इन द इंटरनल डिरेंजमेंट एक्सपोजेस द होल डिजीज। इफ दीज मॉर्बिड अल्टरेशन डिसअपीयर अंडर ट्रीटमेंट देन इट इज द इंडिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ हेल्थ। तो इस अपोजिशन में हमने बात करी कि जब वाइटल फोर्स बीमार होता है, डिरेंजमेंट होता है, तो डिजीज प्रोड्यूस होती है, और वो डिजीज को हम समझ सकते हैं वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स के द्वारा, तो परसेप्टिबल फिनोमेना साइन ऑफ सिम्टम्स के द्वारा हम डिजीज को समझ सकते हैं, है? और जब ये डिजीज साइन ऑफ सिम्टम्स मेडिसिन से रिमूव हो जाते हैं तो डिजीज भी रिमूव हो जाते हैं। इस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 होती विद्या विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माय डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट।